तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 222 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में लगातार एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक ने नीचे में एक बॉटम भी बनाया 193 रुपीज का। इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक लो बनाया है और यहां पर एक बॉटम बनने के बाद निचले लेवल पर एक बाउंस बैक आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े समय से देखिए तो स्टॉक एक रेंज बोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जहां पर ऊपर में एक रुकावट रेंज है 232 रुपीज पर। पहले स्टॉक के अंदर इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, पर जब स्टॉक ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है तो वहां पर अब एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहेगा। अगर स्टॉक ऊपर में 232 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर क्लोजिंग बनाने में कामयाब होता है, तो वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर के टारगेट की बात करें तो 255 रुपीज और सेकेंड टारगेट 278 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक के अंदर पोजिशन बना सकते हैं। अगर स्टॉक में आप एक फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो 232 रुपीज के ऊपर ही स्टॉक को बाय करें, क्योंकि वहां पर स्टॉक जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक 232 रुपीज से नीचे, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ के साथ स्टॉक में जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 210 रुपीज का है। अगर आप एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहते हैं तो 210 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि थोड़े समय से देखें तो स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। तो जब तक स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी नहीं, जब तक स्टॉक के प्राइस में ज्यादा बड़ा मूवमेंट आना मुश्किल है।